60 देशना विदेश मंत्री अने राजदूतोनु वडोदरामां स्वागत। वडोदरा शहर भाजप द्वारा एरपोर्ट पर तेमनु स्वागत करवामां आव्युं। एरपोर्ट पर गरबा रमीने विदेश मंत्री अने राजदूतोनु स्वागत थयुं। विदेश मंत्री अने राजदूतो वडोदरामां रात्रि रोकाण करशे। रात्रे शहेरना पश्चिम विस्तारना गरबा निहाळशे। लक्ष्मी विलास पेलेसनी मुलाकात पण लेशे। विदेश मंत्री अने राजदूत आवतीकाले केवड़िया जशे। केवड़िया खाते नेशनल कोन्फरन्स योजाशे। रशिया, रोमानिया, मेक्सिको सहित देशों राजदूतों कॉन्फरेंस में भाग लेशे। समग्र गुजरात माटे आज गौरवनीय बाबत है कि 60 अलग अलग देशना एम्बेसेडर पोताना स्पाउस साथे आज वडोदराना आंगणे पधार्या छे। वडोदरानी नवरात्रि विश्वविख्यात छे। वडोदरानी नवरात्रि माणवा माटे समग्र विश्वमांथी गुजराती आवता होय छे, भारतीय आवता होय छे, परंतु पहेलीवार एवो बनाव बन्यो छे कि समग्र विश्वना 60 अलग अलग देशना एम्बेसेडर आज वडोदरामां पोताना स्पाउस साथे आव्या छे। त्यारे आ सौनुं भारतीय जनता पार्टी वडोदरा महानगर तरफथी अमे स्वागत करीए छे। पार्टीना कार्यकर्ताओ खूब ज उत्साही छे अने मोटी संख्यामां कार्यकर्ताओ नवरात्रि होवा छतां पण वहेली सवारमां अहीं आज एरपोर्ट पर आव्या छे। तेज बतावे छे कि भारतीय जनता पार्टीना कार्यकर्ताओ विश्वना प्रतिनिधिओने आवकारवा माटे अहीं आव्या छे। गुजरातना ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત ગુજરાતની અંદર વડોદરાની સંસ્કારી નગરીની અંદર દેશના વિદેશ પ્રધાન શ્રી જયશંકર સાથે આખું વિશ્વના અલગ અલગ દેશોના એમ્બેસેડરો ના પરિવાર સાથે સંસ્કારી નગરીની અંદર આજે પધાર્યા છે। એ ગુજરાતનું આપણા સૌનું ગૌરવ છે, આપણો વડોદરાનું ગૌરવ છે। આનંદ સાથે કહેતા હતા કે આજે આખો દિવસ એ વડોદરાની અંદર રોકાવાના છે। લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસમાં પણ જશે અને પેલેસ તરફથી પણ એક લંચ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। કેન્દ્ર સરકાર તરફ પણ સાંજનું ડિનર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ત્યારબાદ યુનાઇટેડ વેની અંદર ગરબાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ત્યારબાદ કાલે કેવડિયા ખાતે જશે, એમ બે દિવસનો એમનો પ્રવાસ છે અને આ ગુજરાત માટે ખૂબ ગૌરવની વાત છે। આજ આજ બહુ ગર્વ કે બાત હૈ કે હમ જો હૈ ગુજરાત જો भारत में विदेश के करीब 50 से ज़्यादा राजदूत जो है उनके साथ यहाँ आए हैं। तो ये नवरात्र का समय है तो वो आज यहाँ वडोदरा में दिन बिताएंगे, कल केवड़िया जाएंगे और उनके लिए एक किस्म से ये गुजरात जाने का ये बहुत बड़ा अवसर है। तो बहुत खुशी से लोग आए हैं तो उनका आज पूरा कार्यक्रम एक तो इस शहर में होगा, शाम को वो कल्चरल प्रोग्राम में भी जाएंगे और हाँ और कल जो है वो वहाँ केवड़िया जाएंगे। केवड़िया का पूरा दौरा करेंगे, एक रात रुकेंगे वहाँ। और आप जानते हैं कि उनमें बहुत उत्साह है क्योंकि वो जानते हैं कि गुजरात में कितनी प्रगति हुई है और वो खुद देखना चाहते हैं। कुछ लोग जो हैं उनके लिए पहला अवसर है गुजरात आने का, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि उनको यहाँ सबसे मिलने और जगह देखने से उनके लिए एक अच्छा इम्प्रेशन बनेगा स्टेट के बारे में। वडोदरा शहर माटे आज ऐतिहासिक दिवस से कारण के विदेश मंत्री एस जयशंकर आज 60 देशना राजदूतों ने लई अने वडोदरा खाते पधार्या छे। वडोदराना जे गरबा छे एमा आज विश्वना 60 देशना राजदूतो छे भाग लेवाना छे अने आज गरबानी मुलाकात लेशे। अत्यारे एस जयशंकर आ तमाम कार्यक्रम की आगेवानी लई अने विश्वभरना जे विद्यार्थीओ छे अहींया वडोदरा खाते अभ्यास करी रह्या छे एमने मळी रह्या छे अने एमनी साथे वातचीत पण करी रह्या छे। जे रीते भारत विश्वकक्षाए संबंधो जे रीते विस्तरी रह्या छे ए प्रमाणे अत्यारे फरी एक प्रयत्न छे कि आखा विश्वना राजदूत छे ए वडोदरा खाते आवे अने वडोदराना गरबामां भाग ले एना माटे थई अने आ कार्यक्रम योजवामां आव्यो छे। એસ જયશંકર સમગ્ર કાર્યક્રમની આગેવાની લઈ રહ્યા છે અને વડોદરાના જે વિશ્વવિખ્યાત ગરબા છે એ ગરબામાં એસ જયશંકર વિશ્વના 60 દેશના રાજદૂતો છે એમને લઈ અને પહોંચ્યા છે। વડોદરા એરપોર્ટ ખાતે વડોદરા શહેર ભાજપ દ્વારા ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। સાંજના સમયે આજે રાત્રે આજે વિશ્વના 60 દેશના રાજદૂતો છે એ ગરબામાં ભાગ લેશે, ગરબા જોવા જશે। ભારતનો જે ગરબો છે વિશ્વકક્ષાએ ખ્યાતિ પામ્યો છે ત્યારે વધુ એકવાર પ્રયત્ન વડોદરાના ગરબા વિશ્વ લેવલે જોવાય, વિશ્વના દેશોના જે રાજદૂતો છે એ નિહાળે એના માટે આ પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે। કેમેરામેન કિશોર ક્ષીરસાગર સાથે માનુ ચાવડા, વીટીવી ન્યૂઝ વડોદરા।